तो 2019 में आपने मिसेस प्रयागराज का भी टाइटल जीता था, है ना? तो कैसा वो एक्सपीरियंस आपके लिए कैसा रहा? आई केम बैक 2019 मिसेस प्रयागराज में, जब मैं दोबारा रैंप वॉक किया मैंने, तो मुझे लगा कि नहीं, मैं वही लड़की हूँ जो शायद सब कुछ भूल गई है, तो मैं कर सकती हूँ. एंड दैट वॉज द टाइम कि मेरे जीवन में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आया और मैं समझ गई थी कि मुझे क्या करना है आगे. एंड नॉट ओनली प्रोफेशनली मैं बैंकर हूँ और बहुत मुश्किल होता है ये दोनों चीज़ को लेके चलना, लेकिन फिर भी मैं अपने आदेश को ख़त्म नहीं करना चाहती हूँ. मिसेस प्रयागराज 2019 ने मुझे एक कॉन्फिडेंस दिया, एक एक्सपीरियंस दिया, तो मैंने खुद को समय देना शुरू किया और अगेन आई स्टार्टेड माई पैशन एंड ड्रीम, दैट वॉज स्टेज. सो देन अगेन आई केम बैक टू माई स्टेज एंड आई लव टू बी इन माई ऑन माई स्टेज एंड आई लव टू परफॉर्म इन एवरी एक्टिविटी, दैट इज सिंगिंग, डांसिंग या एक्टिंग है या पोइट्री है, जो भी है, वहाँ हम अपने फीलिंग्स को बाहर लाते हैं. जैसे अभिव्यक्ति में हम यहाँ बैठे हैं, अपने फीलिंग्स को बाहर लाने के लिए, बोलने के लिए, अपने मन की बात को, जैसे ही कलाकार अपने एक्ट के थ्रू या गाने के थ्रू या डांस के थ्रू सोसाइटी को एक मैसेज देता है.